हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एवी डिफेंस कैरियर। तो फ्रेंड्स, जो लॉकडाउन है उसको 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, जो आपके इंडियन एयरफोर्स के एग्ज़ाम है उसी के रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो लॉकडाउन बढ़ा है उससे आपके एग्ज़ाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा और फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम डेट अब क्या हो सकती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इंडियन एयरफोर्स के स्टूडेंट्स हैं और ये एग्ज़ाम देने वाले हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल एवी डिफेंस कैरियर को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के एग्जामिनेशन के रिलेटेड, क्योंकि फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान किया है और फ्रेंड्स आपका जो लॉकडाउन है वो पूरे देश में 3 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। लॉकडाउन जो है फ्रेंड्स 3 मई तक एक्सटेंड किया गया है। तो फ्रेंड्स आपका जो एग्ज़ाम है वो मई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में तो नहीं होने वाला है, ये तो फिक्स है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जिस हिसाब से आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको और पूरे देश को समझाया है, लॉकडाउन के फायदों के बारे में बताया है, और फ्रेंड्स आप सभी जानते भी हैं कि इस लॉकडाउन के चलते यही वह हथियार है जिससे हम कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं और फ्रेंड्स बच सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लॉकडाउन का जो पालन करना है उसको फ्रेंड्स और भी डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करना है उसको। तो फ्रेंड्स जो आपका एग्जामिनेशन है उससे पहले आपकी सेफ्टी है, और इसलिए फ्रेंड्स जो आपका एग्जामिनेशन वो लॉकडाउन और आप सभी के सेफ्टी को ध्यान में रखकर मई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में होना तो लगभग संभव नहीं है। तो फ्रेंड्स अब बात आती है कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो कब हो सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, आपका एग्जामिनेशन अगर लॉकडाउन 3 मई के बाद एक्सटेंड नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर लॉकडाउन एक्सटेंड नहीं होता है तो ये संभावना व्यक्त की जा सकती है कि आप सभी के एग्जाम मई के थर्ड वीक या फोर्थ वीक में हो सकते हैं फ्रेंड्स, हो सकते हैं अगर लॉकडाउन को एक्सटेंड नहीं किया जाता है उसके बाद तो। लेकिन फ्रेंड्स बात की है, आज अभी यही इन्फॉर्मेशन है कि जो आपका लॉकडाउन है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है और फ्रेंड्स इससे आपके एग्जामिनेशन जो है वो लेट होंगे ही। तो फ्रेंड्स अब मैं बात कर लेता हूँ कि अगर आपने तैयारी कर रखी है या फ्रेंड्स आप तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको इससे बिल्कुल भी कोई भी टेंशन नहीं लेना है। फ्रेंड्स अगर आप तैयारी कर चुके हैं तो आप प्लीज़ रिवीजन करते रहिए और टाइम का जो है फ्रेंड्स उपयोग कीजिए। फ्रेंड्स अगर आप टाइम का सही उपयोग करेंगे तो एग्जाम कभी भी हो आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। सो फ्रेंड्स जय हिंद और थैंक्स वीडियो को देखने के लिए, और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सो फ्रेंड्स जय हिंद।